शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है। जी हां, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की विधिवत शुरुआत 30 जून से शुरू हो रही है। जम्मू के बेस कैंप में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और भारी तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं। बुधवार यानी कि 29 जून को सुबह 4 बजे पहला जत्था रवाना हो जाएगा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ प्यारे, बम बम के लगा नारे। चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ प्यारे, बम बम के लगा नारे, बम बम के लगा नारे। बाबा बर्फानी के भक्तों का खत्म हुआ इंतजार। अमरनाथ की अमर यात्रा करता किस्मत वाला। 2 साल तक छटपटा रहा था, मैं रो रहा था, मैं कब अमरनाथ जाएगा। 2 साल बाद आया, बड़ा खुशी हो रहा है। अमरनाथ की अमर यात्रा करता किस्मत वाला। बाबा भोलेनाथ देंगे दर्शन, धन्य हो जाएगा जीवन। बाबा अमरनाथ करेंगे कल्याण, हो जाएगा बेड़ा पार। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए शिव भक्तों का पहला जत्था जम्मू पहुंच चुका है, जहां शिव के जयकारों से आसमान गूंजने लगा है। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से साधु संतों के अलावा श्रद्धालु जुटने लगे हैं और श्रद्धालुओं के रहने खाने का पूरा प्रबंध भी कर लिया गया है। 30 जून से श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो रही है और उससे ठीक पहले जम्मू में देश भर से साधु संतों का आना शुरू हो चुका है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के श्री राम मंदिर में, जो कि जम्मू के पुरानी मंडी इलाके में स्थित है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग भागों से साधु संत आए हैं और उनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था की गई है उनके लिए। और आप देख सकते हैं कि इस समय भोजन कर रहे हैं, सात्विक भोजन इनको परोसा जा रहा है। देश के अलग अलग भागों से साधु संत आए हैं, खासा उत्साह है इनमें भोले बाबा के दर्शनों के लिए। श्री अमरनाथ जी की यात्रा पिछले 2 वर्षों से नहीं हो रही है, क्योंकि कोविड की महामारी चल रही थी, लेकिन अब चूंकि कोविड की स्थिति में सुधार आया है, जम्मू कश्मीर सरकार ने, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने फैसला किया है कि यात्रा इस बार होगी और भोले बाबा के जो भक्त हैं उनमें खासा उत्साह है और देश भर से साधु संत आए हैं। और आप देख सकते हैं कि हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है। इस समय यहाँ पर इनको भोजन परोसा जा रहा है, दोपहर का समय है और सात्विक भोजन इनको परोसा जा रहा है। इनके रहने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है श्री राम मंदिर पुरानी मंडी जम्मू में। और यहाँ जम्मू में अलग अलग जो है भवन है, मंदिर है, वहां पर जो है सैकड़ों की संख्या में भक्तजन रुके हुए हैं और उनके वहां पर हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। 2 साल बाद शुरू हो रही इस यात्रा को लेकर बाबा के भक्तों और साधु संतों में बेहद उत्साह नजर आ रहा है। दुखी था कोविड के चलते जो कोरोना के चलते कहीं जाने नहीं देते थे, जगह जगह पुलिस वाले रोकते थे, अतएव इस वजह से बहुत परेशानी थी। लेकिन कोविड खत्म होते ही अभी महात्माओं को यात्रा के लिए सुविधा अवेलेबल हो गया है। अब महात्मा लोग यात्रा के निकले हैं, हरिद्वार, वृंदावन, केदारनाथ, आपके अमरनाथ, चारों तरफ यात्रा चल रही है। अब आराम से यात्रा होगी, भगवान कृपा करेंगे। भक्तों की खुशी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो खुशी के मारे नाच गा रहे हैं। भक्ति किसे कहते हैं, आप वो मेरे पीछे देख सकते हैं। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के श्री राम मंदिर में, जो कि जम्मू शहर के पुरानी मंडी इलाके में स्थित है, और यहां पर देश भर से साधु संत आए हैं और आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है उनमें। ये भोले बाबा के दर्शनों के लिए काफी ज्यादा व्याकुल है। 30 जून से श्री अमरनाथ जी की यात्रा प्रारंभ हो रही है, उससे ठीक पहले
साधु संत भारी संख्या में जम्मू पहुंच रहे हैं और इनके रहने की व्यवस्था अलग अलग इलाकों में की गई है। यहां पर आप देख सकते हैं कि श्री राम मंदिर की धर्मशाला में यहां पर जो साधु संत आए हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, भोले बाबा का गुणगान कर रहे हैं और भोले बाबा का जयघोष कर रहे हैं। बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है और आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर भक्ति में डूबे हुए हमारे जो साधु संत हैं, ये हैं, नाच रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और देख रहे हैं किस प्रकार से नाच रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं। आखिर झूमे भी क्यों ना, क्योंकि पिछले दो वर्षों से श्री अमरनाथ जी की यात्रा नहीं हो पाई है कोविड की महामारी के कारण। कितना उत्साह है, बहुत अच्छा लगता है और यात्रा में मुझे अच्छा लगेगा, जाना यात्रा करेंगे हम। आप जबरदस्त नृत्य कर रहे हैं, मुझे बताइए मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति है? खुशी हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। कश्मीर की वादी में भोलेनाथ की शादी में बम 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 और इसमें दो राय नहीं कि दो साल बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर पाने की वजह से भक्तों में मायूसी थी, लेकिन अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। खुशी और प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। साल आने नहीं सका, बहुत दुख हुआ कि कब जाएंगे बाबा का पास। इस साल तो खुल गया, मन में बहुत खुश है। जम्मू के भगवती नगर में रात्रि निवास बनाया गया है जिसे सभी सुविधाओं से लैस किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहां पहुंचकर सुरक्षा के साथ दूसरी सुविधाओं का जायजा लिया। बाबा अमरनाथ के श्रद्धालु आएंगे, यूटी प्रशासन ने मेहनत करके व्यवस्था को बेहतर बनाने का इंतजाम किया है। मुझे लगता है कि हमको और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा बल चौकस हैं। आप लोग पहले भी यात्रा को कवर किए हैं, यही कैंप में देखिए, मुझे लगता है पहले से आपको बेहतर व्यवस्था दिख रही होगी। आतंकी हमलों को देखते हुए प्रशासन किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहता है। 30 जून से यानी कि बृहस्पतिवार से इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने जा रही है। इसको लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर दी हैं। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू में यात्री निवास के बाहर और यहां पर आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ का एक कैंप भी बनाया गया है और इस पूरे इलाके को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा काफी कड़ी है, चप्पे चप्पे पर पहरा है। कोरोना के चलते बीते दो सालों में अमरनाथ यात्रा बंद रही, अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। यात्रा करने वालों में साधु संतों के अलावा आम लोग भी हैं। अधिकारियों की माने तो रवानगी के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और 30 जून को 1.5 से 2 हजार श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना होगा। वहीं इस बार अमरनाथ यात्रा को हाईटेक बनाया गया है। इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिसमें यात्रा करने वालों को एक टैग दिया जा रहा है। यहाँ पर जो भगवती नगर से बेस कैंप, यहाँ से यात्रा की रवानगी होगी। यहाँ पे पूर्णतया प्रबंध किए गए हैं, इनके रहने के, खाने के, बसेज की व्यवस्था, सिक्योरिटी के सब पूर्णतया प्रबंध किए गए हैं। इवन की रजिस्ट्रेशन के भी जो यहाँ पर किए गए हैं, तो एक्सपेक्टेड उम्मीद है कि एक जत्थे में 1500 से 2000 लोग यहाँ से होंगे, जाएंगे। उनको पूर्णतया एक कॉन्वॉय के साथ में, बढ़िया सोलोस के साथ में यहाँ से रवाना किया जाएगा। बहरहाल अब यात्रा शुरू होने में महज कुछ ही घंटे बचे हैं और श्रद्धालुओं का उत्साह बता रहा है कि इस बार की अमरनाथ यात्रा नए रिकॉर्ड कायम करेगी, क्योंकि दो साल से बाबा बर्फानी की ये दूरी उनके भक्तों के लिए एक सदी के बराबर थी। जम्मू से सुनील भट्ट, पंचतरणी से जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। दो साल के लंबे इंतजार के बाद अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाबा बर्फानी तैयार हैं। वहीं इस यात्रा को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। हमारे संवाददाता ने अमरनाथ यात्रा से पहले इसका जायजा लिया, श्रद्धालुओं से लेकर सुरक्षा कर्मियों तक से बातचीत की।
एक बात और, अमरनाथ यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए भी अहम है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बाबा बर्फानी की भक्ति का नाद है। हमारी बहुत इच्छा है कि बाबा के हम दर्शन करें जिनसे हम पवित्र हो जाएं। ये भोलेनाथ की भक्ति और श्रद्धा का शोर है। वहाँ जाने में बहुत दिक्कत नहीं होती है। इच्छा है कि हम लोग वहाँ पे जाएं। ये बाबा अमरनाथ की शक्ति का विश्वास है। एक बार शिवजी के जयकारों से अमरनाथ की गुफा फिर गूंजेगी। 2 साल के बाद वो वक्त आ गया जब शिव भक्त अमरनाथ यात्रा पर फिर से जाने वाले हैं। बुधवार तड़के बाबा बर्फानी के भक्त अमरनाथ यात्रा पर निकलने लगेंगे। इस साल की अमरनाथ यात्रा गुरुवार 30 जून से शुरू हो रही है। अब की बार 2 साल के बाद पहली बार दोबारा अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अमरनाथ यात्रा को 2019 में अगस्त के महीने में ही रोक दिया गया था। उसके बाद कोविड महामारी के चलते पिछले 2 साल के दौरान अमरनाथ यात्रा नहीं हो पाई, लेकिन अब की बार जम्मू कश्मीर प्रशासन और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से अमरनाथ यात्रा को सफल और बड़ा बनाने के लिए हर तरह की तैयारी पूरी हो गई है। 2 साल के बाद वो वक्त आ गया है जब शिव भक्त अमरनाथ यात्रा पर फिर से जाने वाले हैं। इस बार की अमरनाथ यात्रा को लेकर बाबा बर्फानी के भक्तों में अच्छा खासा उत्साह है। ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और श्रद्धालु बेस कैंप पहुंचने लगे हैं। जम्मू और दूसरे राज्यों से आए श्रद्धालुओं को पहले पहलगाम के नुनवन बेस कैंप में रखा जाता है। इसके बाद यहां से अमरनाथ के लिए रवाना किया जाता है। अमरनाथ यात्रा के लिए पहला पड़ाव यही पहलगाम के पास नुनवन बेस कैंप है। दरअसल यही वो बेस कैंप है जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु सबसे पहले पहुंचते हैं और यहां से ही अमरनाथ यात्रा दरअसल शुरू हो जाती है। यहां पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं, चाहे फिर चिकित्सा हो, रहने के हो, खाने पीने के हो या फिर दूसरे साधन हो। करीब 10 से 20 हजार श्रद्धालु एक साथ नुनवन के इस बेस कैंप में जो एक साथ रह सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चौकस कर दी गई है इस बेस कैंप की, क्योंकि 90 के दशक में 2000 में जो आतंकी हमला अमरनाथ यात्रा पर हुआ था इसी बेस कैंप पर हुआ था और उसके बाद 4-टायर सिक्योरिटी जो है इस बेस कैंप की है। यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। चारों तरफ से सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा इस बेस कैंप पर रखी गई है। बाबा बर्फानी के भक्तों की खुशी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो यात्रा शुरू होने से पहले ही घरों से निकल पड़े हैं और यात्रा के बेस कैंप में पहुंचने भी लगे हैं। और कहा भी जाता है कि बाबा बर्फानी जिसे बुलाते हैं वही श्रद्धालु उनके दर्शन कर पाते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं ने जो है यहाँ पहलगाम और दूसरे बेस कैंप्स पर पहुंचना शुरू कर दिया है। कई सारे लोग हैं जो कश्मीर में हैं और उत्सुक हैं अब की बार अमरनाथ यात्रा के लिए। आप अपना नाम बताइए मुझे। संगीता पटेल। आपने कभी अमरनाथ यात्रा की है, क्या सुना है अमरनाथ गुफा के बारे में? अमरनाथ यात्रा की नहीं मगर बहुत अच्छी है, जाने के लिए अच्छा है और वहाँ जाने में बहुत
दिक्कत होती है, हमारी इच्छा है कि हम लोग वहाँ पे जाएं। हम लोगों ने उसके बारे में बहुत सुना है कि वो दो कबूतर है वहाँ पे, वो जो है हकीकत वो हम लोगों को दर्शन करना, और इच्छा है कि श्री बाबा हम लोगों को जल्दी यहाँ अमरनाथ की यात्रा कराए। थैंक यू। आप अपना नाम बताइए। मनोज पटेल है मेरा नाम। मनोज जी, आप कभी अमरनाथ यात्रा पे गए हैं? अभी नहीं गए लेकिन जाने वाले हैं। अमर बाबा भोलेनाथ ले जाएंगे तब जाएंगे हम, क्या कह रहे हैं? आपका नाम? बिमल पटेल है, हम गुजरात से। आप भी अमरनाथ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं? हाँ जाना चाहते हैं ना, जाना चाहते हैं। नहीं, हम भी जाने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग फॉर अमरनाथ यात्रा एंड सो वी आर वेरी हैप्पी। आप अपना नाम बताइए। सोनल पटेल मेरा नाम है। हमारी बहुत इच्छा है कि बाबा के हम दर्शन करें जिनसे हम पवित्र हो जाए। बता दें कि कोरोना संकट की वजह से पिछले दो साल से ये यात्रा रद्द चल रही थी, जिससे अमरनाथ यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों की कमाई पर भारी असर पड़ा था, लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने से उनके चेहरे खिल उठे हैं। 2019 के बाद अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू हो रही है। दरअसल अमरनाथ यात्रा कश्मीर में, खासतौर से दक्षिणी कश्मीर के कई सारे लोगों के लिए रोजगार का एक अवसर होता है। हजारों मजदूर, हजारों कारीगर जो हैं, हजारों पोनी वाला जो हैं, वो इस यात्रा के साथ जुड़े रहते हैं और साल भर उनकी कमाई का अमरनाथ यात्रा ही एक साधन होता है, क्योंकि पिछले दो साल के दौरान अमरनाथ यात्रा नहीं हुई, काफी नुकसान हुआ उन लोगों का जो इस अमरनाथ यात्रा को अंजाम दिलाने में प्रशासन की भी मदद करते हैं और श्रद्धालुओं की भी मदद करते हैं। आप मुझे अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप क्या काम कर रहे हैं इस अमरनाथ यात्रा में? मेरा नाम सर मुश्ताक अहमद वानी है, मैं टेंट चलाता हूँ शेषनाग में। कितने साल से आप इस अमरनाथ यात्रा से जुड़े हैं जहाँ पर आप श्रद्धालुओं को टेंट देते हैं? सर आई थिंक बचपन से ही हम यहाँ पे काम करते हैं इनके साथ ही। अच्छा, दो साल आप के जाया हो गए कोविड के कारण, यात्रा नहीं हुई, तो कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? सर वो तो आपको खुद ही पता चलेगा, वो है डिपेंड अपन ओनली यात्री सर, इस वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। दो साल से ये जरिया ही खत्म हो गया सर। अब की बार उम्मीद है? उम्मीद तो है सर, कह रहे हैं कि यात्री इस बार बहुत आएंगे, तो इससे ज्यादा उम्मीद बढ़ गई हमारी, तो हम अभी जा रहे हैं वहाँ पे शेषनाग टेंट लगाने के लिए। कितने सारे लोग आपके गांव के, आपके इलाके के इस यात्रा से जुड़े हैं जिनका रोजगार इसी अमरनाथ यात्रा पर होता है? आई थिंक सारे डिपेंड करते हैं इसी अमरनाथ यात्रा पे, कोई घोड़ा, कोई टेंट और बाकी सारे काम है, तो लगभग पहलगाम के सारे लोग इसी यात्रा पे डिपेंड करते हैं। कोई होटल चलाता है, दूसरा काम करता है, गाड़ी चलाता है, लगभग तो हर कोई डिपेंड है इसी यात्रा पर। वहीं इस बार होने वाली अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रशासन और सरकार के लिए होती है। हम दरअसल अमरनाथ यात्रा के उस पड़ाव पर हैं जहां पर चंदनवाड़ी से इस यात्रा की शुरुआत पैदल होती है, यहां से आगे वाहन कोई नहीं चलता है, तो इस तरह के बैरिकेड्स जो हैं दोनों रास्तों पर बनाए गए हैं जहां से श्रद्धालु इनको क्रॉस करते हुए फिर अपनी पहचान दिखाते हुए यहां पर सेना के जवानों को और सुरक्षा बल के जवानों को दिखाकर आगे बढ़ेंगे। उनके बाज़ाब्ता जो है नाम नोट हो जाते हैं यहां पर और साथ ही साथ उनकी पहचान जो है वो यहां पर चेक होती है, उनकी रजिस्ट्रेशन चेक होती है। इसके बाद फिर आगे जो है चल के वो अमरनाथ यात्रा या अमरनाथ गुफा तक पहुंच जाते हैं श्रद्धालुओं के लिए। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये चेक रहता है, एक ही जगह नहीं, सुरक्षा तो हर जगह पर होती है लेकिन खास तौर से जहां से पैदल यात्रा शुरू होती है वहां पर इस तरह के चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर श्रद्धालुओं की पहचान ली जाती है और साथ ही साथ उनका जो नाम वगैरह जो है वो लिखा जाता है और उसके बाद उन्हें आगे छोड़ा जाता है। और इस यात्रा के लिए जो है श्रद्धालुओं की तादाद भी तय की जाती है, एक दिन में मात्र 10,000 श्रद्धालु जो हैं अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों को कई दुर्गम पहाड़ों से गुजरना पड़ता है। मान्यता है कि जीवन में अगर एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन हो जाएं, तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जम्मू से सुनील भट्ट।
पंचतरणी से जितेंद्र बहादुर सिंह और पहलगाम से अशरफ वानी गुड न्यूज टुडे। बाबा बर्फानी के भक्तों को उनके दर्शन के लिए बेसब्री से इंतजार है। 2 साल बाद भक्त बाबा बर्फानी के द्वार पर पहुंच रहे हैं। बाबा बर्फानी के धाम को तरह तरह के फूलों से सजाया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता अशरफ वानी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस साल की अमरनाथ यात्रा में मात्र कुछ घंटे बचे हैं, हम इस वक्त अमरनाथ गुफा के पास खड़े हैं। दरअसल यहाँ पर अब की बार किस तरह से व्यापक इंतजाम अमरनाथ गुफा के लिए पहली पूजा के लिए किए जा रहे हैं वो आप इन ताज़ा फूलों से अंदाजा लगाया जा सकता है। बेंगलोर और अलग अलग देशों से जो है ये ताज़े फूल जो है यहाँ तक लाए गए हैं ताकि अमरनाथ यात्रा की पहली जो पूजा होगी और जो पहले दर्शन होंगे, पहली आरती होगी, तब ये फूल जो हैं इस गुफा के परिसर और शिवलिंग के आसपास जो हैं लगाए जाएंगे और इस पूरे अमरनाथ गुफा को, पवित्र अमरनाथ गुफा को इन फूलों से सजाया जाएगा। 2 साल बाद शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादियों की भी नजर है। जी हाँ, यात्रा में खलल डालने के लिए आतंकी साजिश की फिराक में है, लेकिन सुरक्षा के इतने चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अमरनाथ पवित्र गुफा की इस साल की यात्रा काफी खास होगी क्योंकि पिछले 2 सालों से ये यात्रा नहीं हो रही थी, अब ये यात्रा इस बार शुरू की गई है। व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से पूरी की गई हैं। यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो अमरनाथ गुफा के चप्पे चप्पे तक इनको तैनात किया गया है। साथ ही जो रास्ता है उसको पूरा क्लियर यहाँ से किया गया। आप सीधे यहाँ से देख सकते हैं, पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन यहाँ से हो सकते हैं और ये सीढ़ियों के जरिए जो रास्ता जाता है ये रास्ता यहाँ से सीधे गुफा तक जाता है और वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। कुछ श्रद्धालु भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचने लगे हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके से 2 सालों बाद ये यात्रा शुरू हो रही है। जी, मैं एक्चुअली शाहकोट लंगर से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लोग लंगर की हेल्प करने के लिए आए थे यहाँ पे, लंगर में सेवा करने के लिए, इसलिए हम बिफोर आए हैं। और अभी जो यात्रा होगी 30 तारीख से जो निर्धारित टाइम है उससे शुरू होगी, जब गवर्नर आके पूजन करेंगे। और यात्रा के इंतजाम काफी अच्छे हैं, अभी सभी लोग अपने इंतजामों में लगे हैं। पुलिस फोर्स या जो अपना मिलिट्री वगैरह है, पूरी फोर्स लगी हुई है और बहुत लोगों का सहयोग है। तो यात्री इस बार ज्यादा आएंगे, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस साल जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन लोगों ने कराया है, बताया जा रहा है कि करीब करीब 6 से 7 लाख यात्री जो है यहाँ अमरनाथ गुफा की दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ व्यवस्थित किया गया है, किसी भी तरीके की दिक्कत न हो यहाँ पर अमरनाथ यात्रियों को, इसके लिए यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।